अच्छा, सबको सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज फिर हमारे साथ हमारे अबरार चचा हैं। अबरार चचा की कहानी। अबरार चचा, हमको इधर नहीं, इधर देखिएगा आप मोबाइल पे, यहाँ देखिए जी। अबरार चचा, कल आपके पोता पोती आए थे आपको ले जाने के लिए। हाँ। और आप गए नहीं, क्यों नहीं गए आप? हम यूँ नहीं गए कि वहाँ जाके क्या करें, उनकी माँ वो सही तरीके से वहाँ वो अच्छे बिहेवियर बरतती नहीं है। उनकी माँ कहती है कि हम तुम्हें कपड़े के टाइम छोड़ देंगे। कैसे कहा था करके दिखाइए जरा। हैं, कैसे कहा था करके दिखाइए। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं पानी, ऐसा निचोड़ देंगे। अच्छा, ये बोला गया था। हाँ, तो आप इस बात पे उनके हमारे बहू ने बोला था। अच्छा, तो ये लोग क्या लगता है आपको 11 महीने से आए नहीं थे आपके पास, कल किस वजह से आए होंगे? कल इसलिए जो वीडियो बनाया तो दानिया ने वो वायरल किया है मोबाइल में, उसको देख करके सब लोग डर के आए। अच्छा, वीडियो देख के डर के मारे आए। हाँ। चलिए बढ़िया है, वीडियो देखो कुछ तो असर हुआ कि जो आते नहीं है मिलने। हाँ। अच्छा, आपकी पोती जो है वो सिटी मॉन्टेसरी में नहीं, क्रीसेंट मॉन्टेसरी में पढ़ाती है। हाँ। उनका कहना है, और आपके जो ये हैं पोते वो सीए नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे हुए हैं। वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीए नहीं। हाँ, तो आप कंप्यूटर इंजीनियर। हाँ, तो वो पता नहीं था, तो फिर भी कम नहीं है ये भी। वो भी किस तरह से बात कर रहे थे आपने देखा था। ठीक है, कल ये आपको लेने आए, इनके लिए आपकी जगह बन गई, घर में पहले जगह नहीं थी। उन्होंने बोला कि 500 स्क्वायर फीट का उनका फ्लैट है। क्या 500 स्क्वायर फीट कम होता है? बहुत होता है। हमारे क्या 500 स्क्वायर फीट नहीं है, आप इससे ज्यादा बड़ा है उनका 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, आज कल जिनसे आपकी बात हुई थी सऊदी वाले जो थी फातिमा अप्पी, उनके आज भाई आए थे। उन्होंने आपको इज्जत दी बहुत। आपसे उन्होंने क्या कहा था? आपको वादा करते हैं अपने भाई से पैसा ना लीजिए, हम देंगे। हाँ। आप अच्छा पैसे के भूखे हैं या इज्जत के भूखे हैं? इज्जत के भूखे हैं। आपका लड़के ने कमेंट करा है उस पे, जो हमने वीडियो डाली है उस पे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, पता है। कह रहे हैं आप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं, हम तो होशवार में, बहकी वो तो परेशान है, हम तो परेशान नहीं है। आप परेशान नहीं है, वो लोग परेशान है। ठीक है, कल आपकी बेटियां भी आई थी, पोता पोती भी आए थे, आपके बेटे भी आए थे, वो अंदर नहीं आए, वो बाहर ही थे, जो कि हमको सुनने में आया। अच्छा, वो हमें माने वो बाहर से। हाँ। बाहर थे वो। अब हमें आप ये बताइए कि यहाँ आपको किसी चीज की कमी नहीं है? कुछ नहीं, बहुत आराम से। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं आप और हम, तो आप लोगों से कहेंगे भैया पैसे ना भेजो हमको, हम खुद देख लेंगे अपना जो होगा। हाँ। बता दीजिए। हाँ, हमें पैसा नहीं भेजो, हम जो कुछ देगा जो अल्लाह करेगा वो होगा, अल्लाह देता है हमको। एक है समरीन आगा, ठीक है। हाँ। वो आपकी उन्होंने बहुत मदद करी, हमको पैसा भेजा आपके लिए उन्होंने, हमने आपको बताया था। अच्छा। उनका आप शुक्रिया कह दिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और जो फातिमा अप्पी थी उनका तो आपको पता ही, आपकी बहुत हेल्प करी जा रही है, लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो नहीं भी कर सकते हैं वो वीडियो शेयर कर रहे हैं आपकी। अच्छा। मेरी काफी दोस्तें हैं वो आपकी मदद करने को तैयार हैं, वो घर पे आएंगी, काफी लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। आपको पता है जो आपके खानदान में कोई सिदरा है, कोई जूहा है और पता नहीं कौन कौन है, वो सब बहुत मन लाइक बहुत बुरी बुरी बातें कर रही हैं आपके खिलाफ, कह रही हैं आपके बेटे ने लिखा है कि मैं दूध दही उबले अंडे सब खिलाता था, जहाँ जाता था वहाँ लेके जाता था, क्या सच है? ये सब गलत है। अंडे जो खिलाए उन्होंने, क्योंकि लड़के के लिए जो पैगाम सलाम लेके लोग आया करते थे, तो उसमें हम दादा थे कि भाई हम भी बैठते थे वहाँ। तो अच्छा, मतलब जो वो है आपकी, हम नाम नहीं लेंगे, खुशबू कह देते हैं, ठीक है। हाँ। जो खुशबू है आपकी, उनके रिश्ते आते तो उनमें जो नाश्ता लगता था उसमें अंडे लगते थे, वो मिलते थे आपको? वो अंडा हम उठा के खा लेते थे। ठीक है, ये होता था। अब आप जब पैसे लेने उनके यहाँ जाते थे, आपने उनको बताया कि आप जब जाते थे तो वो लोग अंदर भी नहीं बुलाते थे, आपको बाहर से पैसा पकड़ाते थे। बिल्कुल सही है, अभी यही होता। अब तो आप पैसा लेंगे नहीं वहाँ से, आपने मना कर दिया। कल वो लोग खुद कह रहे थे हाँ आप ही चलाइए, आप ही चलाइए, कह के गया आपका पोता, कह के गया था। क्या कह के गया था? अब आप ही करिएगा फिर, हम लोगों का मतलब नहीं है, यूं कह के गया था। 1500 रुपए मतलब जता रहे थे। अभी आप गिरे थे, कोई आपके यहाँ से देखने आया? कोई देखने नहीं आया। आपकी बेटियां भी आई तो 2 दिन के बाद। ठीक है, अब हमें ये बताइए आप,
आप लोगों से कहिए, पहली बात हमने उनको लिए वीडियो नहीं डाली थी, और वीडियो आपने हमसे कहा था बनाने को, हमने खुद बनाई थी, बताइए। हमने कहा था वीडियो बनाइए, अब भी कह रहे हैं वीडियो बनाइए। ठीक, उनके पोल खुले के वीडियो बनने से, पोल खुले की वीडियो बनने से हकीकत मालूम हो जाएगी लोगों को, क्या हकीकत क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। अबरार चचा, आपकी उम्र क्या है इस टाइम पे? हमारा 90 ईयर्स। 90 ईयर्स? 90 ईयर्स, 90 साल। 90 साल? 9 नवंबर को 90 साल के हो जाएंगे इंशाल्लाह। 9 नवंबर को इंशाल्लाह। कमेंट में ये भी था कि आपकी बहन एक मुंबई में है, उन्होंने आपकी बहुत मदद की है। बहुत मदद की भांजो ने, बहन ने बहुत, लाखों रुपया दिया। हमारे बीवी जब थी उनके इलाज के लिए लाखों रुपया दिया, खूब इलाज कराया। ये बचपन में सब खूब, ये भी सब उसी पैसे से इलाज किया इन लोगों ने भी। अच्छा, तो उन लोगों ने भी खूब आपकी, मतलब अब जो भी आपको भेजा है उनकी बहन ने, उसमें बराबर के हिस्सेदार थे आपके बच्चे बच्ची भी, क्योंकि सबने खाया है बच्चों ने। अच्छा, आपका लड़का जैसे पोता पोती आपको कह गए, उनको इरिटेशन होती थी कि आप कोई चीजें उनके लिए नहीं कर पाए, तो वो चीजें क्या थी, क्या वो कौन कौन सी चीजें थी जो आप कर नहीं पाए? उनका कहना है हम मकान नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए आप मकान? इसलिए नहीं बना पाए कि आमदनी कम थी, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च हो गया। आप क्या करते थे? मैं रविंद्रालय में लाइटमैन था। रविंद्रालय में लाइटमैन थे आप? हाँ। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाने में, आगे बताइए। बच्चों को पढ़ाने में वहाँ तनख्वाह कम मिलती थी, और बच्चों को पढ़ाने में मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है, लड़के को पढ़ाया है, तो वहाँ लाइब्रेरी से किताबें ला जाकर पढ़ाया, किताबें लाया ब्रिटिश लाइब्रेरी से, आचार्य नरेंद्र देव की लाइब्रेरी से किताबें ला जाकर पढ़ाया, क्योंकि आमदनी कम थी, किताबें खरीद पाते नहीं थे हम। समझ रहे हम। आपकी बहन की उम्र क्या होगी इस टाइम जो आपकी मदद नहीं कर पा रही है वो? हमारी बहन की उम्र, हम उनसे उससे एक दो साल बड़े हैं, दो साल छोटी हूँ। एक दो साल बड़े हैं। हम कुछ नाम भी लेना चाहते हैं बराज चाचा, जिन्होंने आपके बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, और बहुत सी झूठी बातें लिखी हैं जहाँ तक हमें पता। वो सब झूठी बातें लिखी हैं। चलिए अच्छी बात है, फरेबी हैं सब लोग, हम जानते हैं सब फरेबी हैं। आपको कोई, अच्छा आप भी बताइए, जब वीडियो बना रहे हैं हम, आपको कोई प्रेशर कर रहे हैं वीडियो में, ये कहिए आप? नहीं, कोई प्रेशर नहीं कर रहा, मैं तो खुद वीडियो बनवा रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए बड़ा, अच्छा 11 महीने से उन लोग होश नहीं आया मिलने का आपसे, आपकी पोती कह रही कि हम बहुत चाहते हैं अपने दादा को। चाहते तो मिलने क्यों नहीं आई? एक बार भी मिलने नहीं आई, नहीं आई। अब आपके रिश्तेदार, सो कॉल्ड रिश्तेदार कब्र से उठ के आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ। जो आपको पूछते नहीं है वो कमेंट में लिख रहे हैं स्टॉप फेक, मतलब पोस्टिंग भी फेक वीडियोस, झूठी वीडियो ना डालें, फेक आईडी बना बना के ये फेक वीडियो आप लोग ना डालें, ये बकवास ना करें, और ये झूठ बातें हैं, मैं इनको जानती हूँ, इनका बहुत ख्याल रखा जाता है और हर चीज। और आपके लड़के ने तो ये भी लिखा है, मैं सब कुछ खिलाता पिलाता था, बहुत सी नेगेटिविटी आपकी पोती पोता सब लिख रहे हैं। सोशल वर्कर हैं आप, तो पहले फैक्ट चेक करिए, कह रहे हैं कि आप सच्चाई जानिए। मेरे लिए इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है बरार चचा, कि एक बेटा 3 बेटियों होने के बावजूद उनका बाप लवारिसों की तरह टहल रहा है बाहर। मेरे लिए इससे बड़ा फैक्ट कोई नहीं है। लाख माँ बाप बुरे हों, बच्चों को कदर होती है। आपसे भी कह रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं देते हैं, जहाँ तक आज भी आए तो आप बच्चों के सपोर्ट में आपने बात करी। बाप बच्चों को दुआएं देते हैं, हमें बच्चों को दुआई देते हैं आप, चाहे वो कुछ कर ले। हाँ। यही बात हम कहना चाहते हैं। अब आई वो लेने, जोहा अनवर है कोई, ठीक, ये आपके बारे में बहुत कह रही है। जोहा अनवर की बीवी है वो। किसकी बीवी है? इनके कहे थे ये हमारे वाइफ जो है लड़का, उसकी समधन है। अच्छा, तो वो कर रही है। सिदरा अनवर है कोई? ये सब रिश्तेदार ही है आपस में, सिदरा अनवर ने तो लड़के के ससुराल वाले हैं। अच्छा, इनका ये भी कहना था एक की कमेंट में कि पोते के ससुराल वाले सब मुरादाबाद के हैं। अच्छा अच्छा, ये आप हमें बताइए, इनका ये भी कहना था कि सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये बात बोली है कि मेरे क्या जो है रहने के लिए जगह नहीं थी। 2 कमरे हैं, हॉल है, कि आपको हॉल में नहीं रख सकते थे? वो रख सकते थे। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ किराए पर सदियों से रह रहे हैं और बाप के लिए जगह है, भगा नहीं दिया है बाप को। हाँ। ठीक है, कल भी आए तो इन्होंने हमसे ये बात बोली। अच्छा एक और बात हमें याद आई, आपकी पोती कल बुरखा पहनती नहीं है, आपने बताया हमको। हाँ, कल बुरखे में क्यों आई थी वो? वीडियो बने तो उनके फोटो ना आए। कमेंट सेक्शन मेरा ऑफ नहीं है, यूट्यूब पे आप लोग चेक कर सकते हैं।
अलीना शेख बोल रही है ऐसा। अलीना शेख आप चेक कर सकती हैं कमेंट में, कमेंट दिख जाएंगे आपको नीचे, थोड़ा स्क्रॉल करिए। या एक ने बोला हम्माद खान, हम्माद खान, हम्माद खान है कोई, उन्होंने बोला मेरे अभी ये वीडियो देखी है मेरे, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अंकल को देखी, उनकी बात सुनी, टिपिकल इंडियन माइंडसेट आपने कर लिया। सब कह रहे हैं आपके खानदान से या जो भी है झूठ बोल रहे हैं आप, सब झूठ बोल रहे हैं। सब जो है ओएस के खानदान के ससुराल वाले, ओएस के ससुराल वाले हैं। ठीक, आपका पोता कलम से कह के गया था कि हमने और पापा ने पांच साल, अभी पांच साल हुए हम लोग को शिफ्ट हुए, लोन वोन लेके फ्लैट खरीदा है। अच्छा, ठीक है। इससे पहले वो किराए पर रहते थे, ये बात तो सच है। लेकिन आज ये बात निकली है जब इतना सब हो गया कि उनकी बहू को वो फ्लैट किराए पे मिला था, किराए पे कह रहे हैं, दहेज में मिला था। नहीं नहीं मिला, मतलब इन्होंने खरीदा, हमसे भी कल यही कह के गए तो दहेज की बात ही नहीं है, इन्होंने खरीदा है, इन्होंने खरीदा, आपको पता है ये बात। हाँ, चलिए हम कहते हैं नहीं भी खरीदा, चाहे बहू के उस पर मिला, लेकिन बाप के लिए जगह होनी चाहिए थी। आपके फैमिली में हम इतना इशू नहीं उठाएंगे, ये लोग इतनी बकवास कर रहे हैं इसलिए हमने करा। मेरा तो जिनसे फ्लैट खरीदा है वह नीचे अकरम साहब रहते हैं। अच्छा, बिल्डिंग में उनसे जाकर पूछ लिया कितने खरीदा। अब छोड़िए आप बिल्डिंग विल्डिंग का नाम न लीजिए, नाम किसी का लेना बेवकूफ़ी है। उनकी भी औलादे हैं, आपकी पोती भी है, शादी होनी उनकी। ठीक है, आरम खान ने बहुत बोला है, जोहा अनवर अल्लाह इनको हिदायत दे, इन्होंने तो बहुत ही बदतमीजी से बोला है। सना अनवर है कोई, उन्होंने भी, सिदरा अनवर, उन्होंने भी बहुत बोला है। यासिर है कोई, अल्लाह इन जैसों को हिदायत दे, कल को इनके बच्चे इन लोग को ना घर से बेघर करें, हम तो बस यही दुआ करेंगे। बस अबरार चचा, अनवर के लड़का है यासिर। अच्छा, उन्हीं ने अनवर इनके साड़ू है। अच्छा, उन्होंने ही मैसेज करा, इनके लड़के के ससुर हैं। अच्छा, इन लोग सब कह रहे हैं कि आपकी बहुत खातिरदारी करी गई, आप बहक गए हैं, झूठी अच्छा। बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, ये आपके रिश्तेदार हैं, नौज बिल्ला कबर से निकल निकल के आ रहे हैं। अगर इतनी फिक्र होती, हाँ। आप गिरे थे अभी, किसी को होश नहीं था, कोई देखने नहीं आया। आपकी पोती से हमने कहा इतनी फिक्र थी अपने दादा की, आपके सामने कहा हमने कल, हाँ। कि इतनी फिक्र थी आपके दादा की आपको, तो जब आपको पता चला था गिरे हैं तो आप आई क्यों नहीं। ठीक, तो उन्होंने बोला मुझे पता ही नहीं चला, फिर आपकी बेटियां आई दो वीडियो हटाने कहने के लिए, हाँ। हमने कहा वीडियो नहीं हटेगी, नहीं। वो जनरेशन के लिए बनाई, आप लोग बदनाम हो रहे हैं, हमसे मतलब नहीं, नाम नहीं लिया हमने, हमने आपकी फैमिली का, आपकी पोती पोते किसी का नाम नहीं लिया वीडियो में। लेकिन वो लोग खुद इतना डरे हुए हैं कि अपने पूरे खानदान में फैला रहे हैं कि देखो मेरी बेइज्जती हुई है। ठीक है, हमें इस बात पे हंसी आ रही है। कल हमसे कह रहे हैं ऐसे सोशल वर्कर भाई, ना ये हम फैम के जो भी है, फेम वगैरह, फैम जो कह लो, ना हम उसके लिए कर रहे हैं ये। ठीक, ना मेरा इंस्टा, मेरा प्राइवेट अकाउंट था मेरा, हमने अबरार चचा के लिए पब्लिक करा है, हम लड़के ऐड नहीं करते हैं। ठीक, आती भी है रिक्वेस्ट अभी भी तो मैं रिमूव कर देती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, यूट्यूब पे अगर रहा आपका, 73 फॉलोअर्स है मेरे, सब्सक्राइबर है मेरे, क्या हम उसमें कर लेंगे। मैं कहती हूँ वीडियो तभी मैं वायरल मानूंगी हो रही है जब 1 मिलियन पहुंचेगी, जब इसको बड़े बड़े स्टार वायरल करें तब हम मानेंगे वीडियो वायरल हो रही है। अभी तो मेरे छोटे मोटे दोस्त कर रहे हैं शेयर, वो भी जो पैसों से मदद नहीं कर सकते हैं आपकी ब्राचा, वो वायरल कर रहे हैं। ठीक है, वो आप लोग को आपका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, एक जिनको हम जानते नहीं, आप जानते नहीं, आपसे मिलने आए वो, हाँ, मिलने आया, कितनी खुशी हुई आपको, बहुत खुशी हुई। ऐसे लोग खाला बाजार के हैं, वो खाला बाजार, हाँ, अब नाम नहीं लीजिएगा, करी मदद अल्लाह की तरफ से आए थे। और ये भी नहीं कि आपको हाथ में पैसा रख गए, क्योंकि सब जानते हैं कि पैसा आपका क्या बोलते हैं, कैसे कैसे कौन आके क्या बहाने करके ले जाता है। ठीक, आपकी दो बेटियां आई कल वीडियो हटवाने के लिए आपके पोता पोती के सामने ही, हमने कहा वीडियो नहीं हटेगी, हम अकेले भारी थे सब पे, हाँ। आपने हमको ये भी कहा, हाँ। क्या कहा था आपने, दानिया, हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने, हाँ, दानिया भाई के बाद बहुत दुआ दी दानिया को, बहुत अच्छा काम किया, और हमने खुद दानिया से करा के वीडियो बनाओ, बस दानिया अपनी मर्जी से, हमारी मर्जी से बना रही हैं। बहुत वीडियो में मैं कहना चाहूंगी, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाह रही हूँ, तो ये जो कमेंट हो रहे हैं यूट्यूब पे बंद कर दें, वरना इसमें आप ही लोग की जिल्लत आप लोग को उठानी पड़ेगी अगर हमने कोई कदम उठा लिया तो। ठीक है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आप लोग के कमेंट का फालतू जवाब देते रहें। दूसरी बात ये कि अबरार चचा यहाँ बहुत खुश हैं,
जो मदद चाहिए होगी आपकी नहीं चाहिए। आपका पोता कल क्या कह के गया था, सबका खराब खिलाएंगे आप दादा को। दादा की इतनी फिकर होती तो दादा को आके देख रहे होते। क्या? आप जाते हैं पैसे लेने, बाहरी से भगा दिए जाते हैं। ठीक है, बुलाता नहीं कोई। पोती आपकी लिटरली बता रहे, मेरी आवाज जितनी तेज है मेरी कोई सुने आवाज तो कहेगा लड़ रही है लग रहा है। ठीक, आप कितनी पोलाइटली, कितनी पोलाइटनेस से लड़की आपकी पोती बात कर रही थी, इतने धीरे से, उससे सीधा, उससे शरीफ कोई ना हो। दो दो एनजीओ चलाती है, उन्होंने ये भी कहा आप इसका जिक्र करेंगी। हाँ तो मैं इसका जिक्र कर रही हूँ, दो दो एनजीओ चलाती है, नाम बताया था हम भूल गए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप कह रही थी दादा, मैंने बहुत कहा, दादा को पता नहीं चला, कहने लगी मुझे पता नहीं चला आप गिरे हैं। ठीक है, जब आपकी पोती, वो बेटी आई आपकी बीच वाली जो बीमार रहती है, वो आई, उसने कहा कि नहीं मैंने बताया था, उसने साफ कहा इनके मुंह पे, मैंने बताया था इनको। तब भी आपकी क्या बोली नवासी, वो पोती देखने नहीं आई। ठीक, हमने क्या बोला आजकल की, कहने लगी दानिया यू बेटर नो कि आजकल की लड़कियां, आजकल का माहौल, हम लोग ऐसे फ्रीली नहीं निकल सकते हैं, दानिया यू बेटर नो। हमने कहा भैया मैं तो कुछ होगा भैया, हमने कहा बुरा ना मानेंगे, आपसे ज्यादा पर्दा हम करते हैं। ठीक है, हमने इनसे ये बात बोली थी, याद है आपको, आजकल की लड़कियां पत्थर फाड़े दे रही हैं, क्या कुछ नहीं करे ले रही हैं। और क्या, अब आया मैं, लड़कियां बहुत कुछ करे ले रही हैं आजकल, और ये अब घर से नहीं निकल पाती, कह रही क्रिसेंट मॉन्टेसरी तक तुम पढ़ाने आती हो, अपने दादा से मिलने नहीं आ सकती हो। आ सकती है, एक बार भी आई नहीं आई। 1500 की फिलहाल धौस थी कि 1500 रुपए देते थे आपके बेटे, आपने कल वो भी मना कर दिया, और आप उनसे मैसेज में वीडियो में भी कह दिया, हम इसको यूट्यूब पर डालेंगे वीडियो को और इंस्टा पे भी डालेंगे, आप इनसे कह दिया नहीं चाहिए बेटा तुम्हारे 1500 रुपए भी, आप कह दीजिए बहुत है देने वाले। हाँ, नहीं चाहिए हमें 1500 रुपए। इतनी जिल्लत जो आप झेल रहे हैं बरार चचा, इतना आपने सोचा था कभी आपके साथ होगा है? है? कभी आपने सोचा था आपके साथ इतना जिल्लत होगी? मतलब कभी नहीं सोचा था कि इस मामले इतने जलील होंगे। 6 साल से आपका बेटा आपको नहीं रखा है, आप अपनी बेटी साथ रह रहते हैं। और क्या, वो बेटी के साथ आप कब तक रहते हैं, आपने खुद कहा। ठीक है, आपकी वाइफ का इंतकाल किस उस पे हुआ था, अबराज था कहाँ पे थे, अपने बेटे के पास थे अपनी बेटी पास थे, जब हुआ था? हम अपने बेटी के घर में रह रहे थे किराया देकर के। अच्छा, बेटी क्या रह रहे थे किराया देकर? एक मकान था, वो भी किराया देती थी, आधा हम देते थे। अच्छा, चलिए ये भी अच्छा पता चला हमें कि आप भी देते थे वो भी देते थे, मतलब पूरा डिपेंड नहीं थे अपनी बेटी पर भी आप। वेरी गुड, हमें तो पता ही नहीं रही ये बात, चलिए अच्छा है। फिलहाल हमें बहुत उन लोगों पे, बहुत लिटरली बता रहे हैं, रहम आ रहा है जो ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। अल्लाह से डरो प्लीज, और अगर इतनी फिकर है अपने रिश्तेदार की, अबरार अली खान की, अली खान है ना, आपको इतनी फिकर है तो आइए घर, आइए आप आके देखिए, और जिनको झूठ लग रहा है वो तो फौरन आए। भाई अगर उनके बेटे पैसा नहीं दे पा रहे, आप लोग रिश्तेदार हैं, आप दीजिए, आइए बिल्कुल आगे आके हाथ बढ़ाइए, आपके बुजुर्ग हैं, हमारे क्या बुजुर्ग का हाथ अगर है सर पे, बहुत बड़ी सही, बहुत बड़ी बात है। अब्बा क्या कहते हैं, जब से आप आए तब से उनकी आमदनी में है, बढ़ गई। जाहिद अली जो आपको खाना देते हैं, हाँ, जाहिद चचा, हाँ, वो क्या कहते हैं, उनके यहाँ बरकत होती है। हाँ, उनके यहाँ बरकत होती है, सब आपको मानते हैं यहाँ से। अगर आपके पोता पोती ले जाने आएंगे आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, नहीं हो सकती, मैं ये भी यहाँ बोल रही हूँ, मैंने उनसे ये भी पूछा, जाएंगे वो मना कर रहे हैं। एक बार और बता दी वजह क्यों नहीं जाएंगे आप? इसलिए जाएंगे, अच्छी नजर ना हमें खिलाएंगे ना रखेंगे, ना खिलाएंगे ना रखेंगे, मोहब्बत की नजर से उनकी बीवी वो लोग कोई मोहब्बत की नजर ना खिलाएंगे ना रखेंगे। ठीक, आपकी पोती कल कह रही थी कि मम्मी का नाम क्यों ले रहे हैं, पापा का मान सकते हैं, मम्मी ने तो कुछ नहीं करा, मम्मी ने कुछ नहीं करा। मम्मी ने कहा तुमको निचोड़ देंगे कब लग जाओ। ठीक, और उसको कह रही थी आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ब्रा चाचा, आपने हमको एक और बात बताई, वो दूध वाली है? दूध वाली, जब आप उनके यहाँ रहते थे अपने लड़के के, तो दूध वाली क्या बात थी वो भी बताइए जरा। दूध वाली ये बात थी कि दूध का एक बर्तन है बाल्टी, हाँ, तो उसमें 100 रुपए का दूध मंगाते थे, वो बाल्टी भर जाती थी। अच्छा, मगर वो 2.5 किलो दूध उसमें आता था, हाँ, तो हम क्या कहते रख रख के दूध लेके आते थे, बड़े परेशानी से, इतने हमें उठता नहीं था, आपसे उठता नहीं था दूध की पतीली, तो हम बैठ बैठ के रखते आए, और दूध जो भरा था छलक जाता था। अच्छा, जब छलक के लेके गए तो कहते दूध तो कम कैसे आया, गिरा कैसे दूध।
हमें छलक गया, दूध गिर गया, उसमें भी डांस सुनने को मिलती थी। डांस सुनते थे उसमें भी आप? आप मतलब आपके बेटे कहते हैं, कह रहे हैं मैं बदनामी कर रही हूँ उनकी सोशल मीडिया, बल्कि मैं नाम भी नहीं ले रही थी। ठीक है, मैं नाम भी नहीं ले रही थी, मैं अपार्टमेंट भी नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ बाप है तुम्हारे, इज्जत कर लो, कल को ऐसा ना हो। आप मेरे बड़े हैं, हम बहुत तमीज से कह रहे हैं आपसे, आपकी फैमिली में जो भी कमेंट कर रहा है, कि प्लीज बुजुर्गों का हाथ जो होता है बहुत मायने रखता है। और मैं ये बार बार कह रही हूँ, मैं बार बार ये कह रही हूँ, कोई भी इनको सदका खैरात नहीं दे रहा है, अगर दे भी रहा है तो इनकी एक छोटी सी ख्वाहिश है। क्या आपकी ख्वाहिश है? कहाँ जाने की? हज करने की। हज करने की। हमने इनकी पोती से यह बात कही कि हज करने की ख्वाहिश अबरार चचा को, वीडियो नहीं हटेगी इंशाल्लाह, उससे हज करके आएंगे वो, इतना उनके पास अल्लाह दे दे तो हज करके आएंगे वो। तो इनकी पोती बोली, हाय रे दानिया, मैं बता रही हूँ पापा इनके लिए पैसे जमा कर रहे हैं हज करने के। कहा आपकी पोती ने कहा? हाँ। कि आपका लड़का पैसे जमा कर रहा है हज कराने के? अच्छा। हाँ कल। अच्छा, आपने सुना था? नहीं सुना था? हमने सुना, कहा होगा उन्होंने, कहा हमने सुना था नहीं। चलिए आपने नहीं सुना, लेकिन हमसे ये कहा उन्होंने। हाँ। हमने कहा रहन दीजिए, और जब आपके पोते से हमने कहा, आपने कहा नहीं चाहिए 1500। हाँ। तो उनका क्या रवैया था? कहा हाँ ठीक है, हम नहीं देंगे, आप ही देखिए। हाँ। ये कह के गए। हाँ। और आखिरी वक्त तक वो क्या कह रही थी आपकी पोते, चलिए दादा चलिए। हाँ। आज तक फोन पर उन्होंने कहा चलिए दादा? नहीं। और कह रही थी, मैं फोन करके कहती थी चलिए दादा? नहीं नहीं, कभी नहीं कहा। आपकी बेटी अगर मिलने आती है कोई तो वो जिक्र करती है, पोती आपकी पूछ रही थी, करती है जिक्र? नहीं, कोई नहीं करता, क्योंकि पूछता ही नहीं है कोई। अब वीडियो हो रही है, असल में दो, अब कितने लोगों ने देखा है? मुश्किल से 5-6 हजार लोगों ने। और क्या, अगर अबरार चचा वो 1 मिलियन हुई होती तब हम मानते वीडियो जो है वायरल हुई है, समझ रहे हैं? और दुआ करिए ऐसी वायरल हो कि आजकल की जनरेशन को पता चले, क्योंकि आपकी जो पीढ़ी थी वो हमारे माँ बाप की भी रही है। ठीक है, हमने अपने दादा को नहीं देखा है जो हम आपके साथ कर देते हैं। सही बात, बिल्कुल सही। ये बुजुर्ग इंसान है, इनको भी पता है हमारे घर में भी भाभियाँ हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरा पूरा इंस्टा फैमिली मेरी जानती है पूरी, कि मेरा भी बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली घर में सब रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, ज्यादातर तो मेरे इंस्टा को पता है। मोस्टली जब ये सोते हैं, बुजुर्ग हैं 90 साल के, इनसे उम्मीद रखी जा सकती है। सोते में ये आवाजें निकालते हैं अजीब सी, इनके बलगम जो होता है वो हलक में फंस जाता है तो आवाजें निकालते हैं ये। मेरे पापा को मेरी मम्मा कुंभकर्ण कहती थी। ठीक है, अब वो कच्ची नींद में सोते हैं सिर्फ और सिर्फ अबरार चचा की इज्जत के लिए सोते हैं। अलवी आपके लिए? हाँ। ठीक, मेरी माँ ने अपनी जगह अबरार चचा को दे रखी है कि आप वहां सोइए, वो अलग सोती है। हाँ। अबरार चचा है कि नहीं? बिल्कुल सही, वो गर्मी में सो जाती है, आपको सोने देती है? वो तो कहती पहले हम यहाँ सोते थे, अब हम ऊपर सोते हैं, आप यहाँ सोते हैं, बस। हाँ, हमारी जगह अपनी जगह दे रखी है, अपनी जगह दे रखी है। आपकी बहू भी ये कर सकती थी पर करा नहीं, नहीं करा। और इनका जो बेटा है वो मेरे बाप की उम्र का है। ठीक है, हमें बहुत, हमें देखिए कोई वाहवाही नहीं चाहिए कि हम रखे हैं, मेरे घर वाले रखे हैं। मेरा मोटिव बस यही है, ये हमें उम्मीद नहीं थी एक 90 साल के इंसान, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हमने ये जिंदगी पहली बार देखा, मतलब सीरियसली पहली बार देखा है ऐसी चीजें जो हम आपको बता भी नहीं सकते। हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग हो सके तो वीडियो खूब शेयर करें, खूब शेयर करें कि आज की जनरेशन को पता चल जाए। माँ बाप से आजकल के लड़के माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उल्टे जवाब देते हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हम इतनी उम्र में हमारे क्या भाभियों के बच्चे हैं, वो भी उल्टे जवाब देते हैं बच्चों को, मतलब बच्चे जो हैं माँ बाप को उल्टे जवाब देते हैं अभी से। तो ये नस्ल जो आ रही है, जनरेशन आ रही है कि बहुत गड़बड़ होने वाली है। अभी से बताइए अबरार चचा की, हमारे क्या अभी आपके पापा लोगों के एज की जनरेशन इतनी बर्बाद नहीं थी, लेकिन अब आप अबरार चचा के लग रहे। और अबरार चचा आप पे ये भी इल्जाम लगा है कि आपने अपने माँ बाप को भी ऐसा ही रखा है। अरे ये सब झूठ, हमने अपने आप को ऐसा रखा, अपने आप को बहुत आराम से रखा, इससे पहले भी हमने लाइफ इसको भी आराम से खूब पढ़ाया लिखाया, जो ये कह रहा है अपने माँ बाप को ऐसा, ये ऐसे ही पढ़ गए लिख गए, ऐसे BCom कर लिया इन्होंने, ऐसे अपने बच्चों को पढ़ा लिया, जब BCom किया है जब उसका आमदनी हुई उसका, तो अपने बच्चों को पढ़ाया, हमने BCom करा, इन्होंने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया।
आपने बीकॉम कराया, इन्होंने अपने बेटे को इंजीनियर कराया, आप कह रहे हैं वेरी गुड। मैं बताऊं अबरार चाचा, मेरे अब्बा ने भी 12th करवाया है, वो मेरा बीए करवा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से मैं पैसे लेती हूँ। मैं आज कमा रही हूँ, मैं खुद अपना कमा के रख रही हूँ, खा रही हूँ, खर्च कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपने दम पे हूँ। बाप का काम था पढ़ाना, बाप ने पढ़ा दिया। आपने दावर को भी देखा, वो भी पढ़ रहा है, साथ में अपना क्या करे, काम भी कर रहा है ना। तो हम लोग ये नहीं कह सकते आपने एक सही कमरा नहीं बनाया, आप मेरी ऐसे शादी नहीं कर रहे हैं, आप मेरा वो नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते। वो मेरे बाप जितनी उनकी औकात होगी सही बात, वो करेंगे, है क्या नहीं, बिल्कुल सही। बस सीन यही है अबरार चाचा कि आप एक मैसेज मेरी तरफ से, मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है, आज की जनरेशन कुछ ऐसा ना करें। फिर इसी वीडियो में फिर से यही कहेंगे कि आप बहुत बोले। आपसे भाभी कह रही थी कुत्ता भी होता है, क्या बात बोली थी, कुत्ता होता है वो भी अपने दरवाजे पर बैठा रहता है, कुत्ता होता है तो वो भी दरवाजे पर बैठा रहता है, अगर उसको रोटी दो दिन खिला दो, दो दिन रोटी खिला दो, दरवाजे बैठा रहता और पूछ हिलाता रहता है। लेकिन ये आपके सो कॉल रिश्तेदार जो कबर से उठ के आ रहे हैं, हम उनसे इस वीडियो में कहेंगे भैया हिम्मत हो तो घर आओ, कमेंट करके पागल ना करो, ठीक है, हम वैसे पागल होने वालों में से है नहीं, अच्छे अच्छों को हम पागल कर देते हैं, ठीक है। और वो अबरार चाचा कल देख चुके हैं अपनी बात पे अड़ी हुई थी, चलिए दादा, आप दादा की याद आ रही है। खैर हमें कोई उनसे वो नहीं, अबरार चाचा जाना भी नहीं चाहते हैं, जिनको मदद करनी हो करें, जिनको नहीं करनी है वो ना करें। आप बस इतनी रिक्वेस्ट है, पैसों से नहीं तो वीडियो शेयर करें, कह दिए अबरार चाचा। हाँ पैसे वीडियो शेयर करें, पैसा ना दे कोई परवाह नहीं, बस कोई परवाह नहीं। आप लोग कोई मतलब अगर आप लोग को मिलना है, अगर झूठ लग रहा आइए आप घर पे शौक से आप आके मिलिए, कोई वो नहीं। ये वीडियो मैं IGTV पे भी शेयर करूंगी और मैं ये वीडियो YouTube पे भी पोस्ट करूंगी। आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, जब मैं इनके लिए पब्लिक अकाउंट कर सकती हूँ तो आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आज की जनरेशन तक ये खबर पहुंचे कि हम लोग को ये नहीं करना है। अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, हम यही कहेंगे, किसी के साथ, किसी के साथ अल्लाह ऐसा ना करे। कल बहुत अफसोस हुआ हमें, बहुत ज्यादा अबरार, आपने देखा भी हम रोने लगे थे, हमें बहुत अफसोस हुआ। आपकी बेटियां जैसे आके कह रही थी वीडियो हटा दो, आपके पोता पोती कैसे मतलब कितनी उसमें थी, दादा चलिए, दादा चलिए, आपके पोते ने कहा चलिए दादा हम करते हैं घर, हमने कहा ये क्या घर में जगह बन गई अब, तो क्या बोले, जरूरी थोड़ा ना रेंट पे लेके रह देंगे, रेंट पे भी रहने के लिए अगर उनकी फुप्पी रहे या कोई रहे, अकेले ये इंसान रेंट पे भी नहीं रह सकता है 90 साल का, रात में टॉयलेट जाना किस तरह से, क्या लीकेज क्या होता है आप लोग को हम बता नहीं सकते हैं, जो अल्लाह क्या अल्लाह ही जानता है क्या क्या होता है, और हम लोग करते हैं और हम लोग कोई इससे दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमारे दादा के बराबर है, हमने आज तक अपने दादा को नहीं देखा है। और मेरे बाप भी इसीलिए क्या करते हैं क्योंकि आपको क्या मानते हैं, वो अपना चाचा मानते हैं, चाचा मानते हैं, बाप मानते हैं। अभी भी कह रहे थे हम लड़ाई भी करते हैं आपसे, ऐसा नहीं लड़ाई नहीं करते हैं, बाप की तरह लड़ाई भी करते हैं इनसे, लेकिन ये यहाँ पे खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, इनको किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है। बस सीन वही है, वही 1500 रुपए जो महीना ये देते थे कितना गिरा हुआ समझ के, ज़कात हमें वो लगी। आप लोग को मदद करना है खूब करिए, जिन्होंने करी हम उनको भी बहुत थैंक यू बोलने, बराचा आप भी बोलिए थैंक यू बोलिए, आपकी बहुत लोगों ने मदद करी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार चाचा को जो भी कहेंगी, और रही जो हमसे कमेंट में ये भी कहा किसी ने, आपकी मम्मी जो 1000 रुपए रखती हैं, अबरार चाचा उन्होंने मांगे थे या आपने रखवाए थे उनको पास, हमने रखवाए थे, आपने रखवाए थे, और कब से रखवा रहे हैं, 11 महीने से रखवा रहे हैं, नहीं भाई 2 महीने हुए, 2 महीने से रखवा रहे हैं 1000 रुपए, वो 11000 रुपए नहीं हुए हैं, जिनके ये भी लग गया, किसी एक रिश्तेदार को ये भी लग गया कि 11 महीने से रह रहे हैं तो 11000। आपको ये भी बता दें अगर वो 11 महीने से रह रहे हैं, उनको 11 महीने से उनका लड़का पैसे नहीं दे रहा है, कब से यहाँ, जब से आप रह रहे हैं, आप पुलिस के पास भी गए थे तब पैसे दिए कि नहीं, कितने महीने बाद, जब आप यहाँ रहने लगे उसके 3-4 महीने बाद दिए छत पैसे, अरे 2 महीने दिए, जून में दिए, जुलाई में दिए, वही रखे हमने, बस जून में दिए और जुलाई में दिए, अब अगस्त में देगा, बस उसके अलावा दिए नहीं, 1500 रुपए की इतनी बड़ी धौस, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग से मदद हो पाए बिल्कुल करें, हमारे क्या कोई कमी नहीं, घर आके देखें,
वीडियो जरूर शेयर करें। और हमें कोई भी, मैं फिर कह रही हूँ, फेम नहीं चाहिए भाई, सब्सक्राइब ना करो, हमें कोई शौक नहीं, चैनल नहीं चलाना है। लेकिन जिस जहां मुझे गलत चीज लगेगी वहां मैं हाथ अपना बढ़ाऊंगी आगे। अभी एक है मेरे जानने में, उनकी मैंने शादी की, उनकी बेटी का शादी का सीन था, मैंने वो करवाई, उसमें मेरी हेल्प करी वो समरी नागा ने, बहुत अच्छी हैं वो, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं वो, क्योंकि उनके अकाउंट में फॉलोवर्स भी ज्यादा हैं, तो अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है उनसे। मैं उनको एज अ सिस्टर ट्रीट करती हूँ, वो उनको उसको कहेंगी भी वो कि नाम नहीं लेना था दानिया, मेरा नाम ना लेती, लेकिन मैं बताऊंगी बहुत उन्होंने भी हेल्प करी है मेरे साथ। अगर मेरे साथ 5 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनके साथ 10 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं मेरे साथ। मैंने एक की शादी करवाई अभी एक बीमार थी कोविड में, उनको पैसों की नीड थी, मैंने उनका करवाया। मैं बहुत चीज़ें करवाती हूँ जो मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अबरार चचा की कहानी बिल्कुल ही परे थी, क्योंकि वो 90 ईयर्स के हैं और उनको पैसों का लालची कहा जा रहा है। भाई जिनके पैर आधे कब्र में लटके हों वो पैसों का लालच होगा, पैसों का लालची हैं आप? बिल्कुल नहीं, पैसों का क्या करना, पैसा हमको वाकई क्या करेंगे पैसा, वो अल्लाह खाने पीने का इंतजाम कर रहा है हमारा। आपको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, कोई आपको ऐड करना चाहता है बरार चचा, शायद आपसे क्वेश्चन हो, अगर किसी को क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। मैं ऐड करती हूँ, कैंसिल हो गया शायद, लेकिन मैं कर रही हूँ, आ रही है कुछ, अगर किसी को भी क्वेश्चन करना हो वो पूछ सकता है, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिना है, मैंने इन्वाइट करा है हिना को, हिना है, हिना हिना चली गई, क्या पता कुछ पूछना चाह रही हो हिना, इसलिए उन्होंने करा हो। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकता है, बेझिझक पूछ सकता है, अपनी शक्ल ना दिखाए, पर जो पूछना हो पूछ सकता है। मैं अभी भी कहना चाहूंगी, अबरार चचा सामने ही बैठे हैं, मैं लाइव इसीलिए हूं ताकि ये ना हो वीडियो कट वगैरह करके पोस्ट करी गई है, मैं बार बार कह रही हूं। और इनकी पोती ने मुझको ब्लॉक भी कर दिया, हालांकि मैं जो नाम मेंशन नहीं करना है उनका, लेकिन अगर मैं अगर ऐसा ही ये लोग ऐसा ही वीडियो पे कमेंट करते रहे आड़े बेड़े जो मेरे समझ में नहीं आए, तो मैं गिन गिन के सही बता रही हूँ, नाम मेंशन कर दूंगी। और अबरार चचा ने मुझे इजाजत दी है नाम मेंशन करने की। अबरार चचा आपने कह रखा है कि नहीं सबका नाम ले डालो? हाँ। अबरार चचा ने कहा है नाम ले डालो, सबका नाम ले डालो, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि आपके आगे भी लड़की है, आपको भी उसकी शादी करानी है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ। और अबरार चचा बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने लड़के के खिलाफ, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि देखिए अबरार चचा सिर्फ मैसेज दीजिए, इतना बोलिए नहीं कि बदनामी हो, क्योंकि उनकी भी बेटी, उनका भी बेटा है, बहू है, क्यों ब्राचा? हाँ, बिल्कुल। अब ब्राचा नींद आ रही है? नहीं 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 आ रही। हाँ। चलिए अच्छी बात है ब्राचा, सबको एक बार और शुक्रिया बोले वीडियो वायरल करने के लिए, शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मदद करी। समरीन का नाम तो बिल्कुल लीजिए आप, की बहुत मदद करी उसने, समीन आगा, समीन आगा, उसने बहुत मदद करी, आपका पैसा भेजा उसने, बहुत मदद करी है, बोलिए शुक्रिया, बोलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो फातिमा अप्पी हैं उनके लिए भी आप बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है, अभी भी वीडियो पे भी कमेंट पे भी, मैं बार बार कह रही हूँ। और उनको नींद नहीं आ रही, उनका कहना है समझ उनको नहीं, आपको नींद आ रही है? नहीं। अभी आप कहाँ जाके बैठेंगे? अभी वहाँ बाहर चौराहे पे बैठेंगे, बाहर चौराहे पर, बाहर चौराहे पे बैठते सब लोग, लेटते हैं घर में जाके, 12-1 बजे आके लेटते हैं वो, समझ समझे? अभी वो हवा खाएंगे बाहर ताजी, उनको कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। चलिए बच्चा फिर अल्लाह हाफिज कहिए, और बच्चों से बोलिए कि ऐसे माँ बाप के साथ ना करना कभी। अरे बच्चों ऐसे अपने मुआवरा कभी ना करना, जो हमारे बच्चों ने हमारा किया। वेरी गुड, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।